हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी में जो पूरा रेगुलेशन की प्रोसेस होती है या हमारी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन होता है उसे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से इसमें भाग होते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है ब्रेन एंड सेकेंड जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं जो भी हमारे इंफॉर्मेशन आती है उस इंफॉर्मेशन का जो कोऑर्डिनेशन का काम करता है, उस इंफॉर्मेशन को जो डिकोड करने का काम करता है वो करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और उसपे दो मेन पार्ट है, वो एक है ब्रेन और सेकंड है स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो ये दोनों मिलकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बात करें जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये दोनों एक मेम्ब्रेन के थ्रू जो है घिरे हुए होते हैं। यानी दोनों के दोनों कैसे होते हैं, एक मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं जिसे हम मेनिंजेस के नाम से भी जानते हैं। जो मेनिंजेस होता है इसको हम लोग आवरण कहते हैं। यहाँ पर चूंकि ब्रेन अगर पढ़ेंगे तो ब्रेन का मस्तिष्क आवरण के नाम से उसको जानेंगे। सेम वही जो है मेम्ब्रेन होता है, सेम वही मेम्ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड पर ही प्रेजेंट होता है, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट मेनिंजेस के बारे में स्टडी करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं मेनिंजेस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि मेनिंजेस होता क्या है। जैसे ये हम अपना देखें तो ये जो ब्रेन जिसके अंदर भरा है, ये हमारा जो क्रेनियम होता है, इस क्रेनियम के अंदर जो ब्रेन हमारे भरे हुए हैं, उस ब्रेन के ऊपर कौन कौन से पार्ट पाए जा रहे हैं और कैसे वो उसकी कवरिंग हो रही है। क्योंकि तो ब्रेन जो होता है बहुत ही कोमल पार्ट होता है, लेकिन उस कोमल पार्ट को एग्जैक्टली उसको जो है सुरक्षा देने के लिए, कवरिंग करने के लिए एक हमारे पास क्रेनियल प्रेजेंट होता है। और ये क्रेनियल बोन्स के बने होते हैं जिसके अंदर जो है जो हमारा ब्रेन होता है वो फिक्स होता है। और वो ब्रेन जो काम कर रहा है, वो ब्रेन एक्चुअली जैसे हमारे कोई चीज चोट लग जाए तो हमारा ब्रेन, मैंने कहा बहुत ही कोमल होता है तो वो नष्ट हो सकता है। तो उसी से बचाने के लिए इसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग मेनिंजेस कहते हैं। लेकिन मेनिंजेस के ऊपर भी कुछ पार्ट होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है ये स्किन हेयर होता है। सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है स्किन हेयर प्रेजेंट होता है, जो आप इसको स्किन भी कह सकते हैं। और उसके नीचे जब आप स्किन को हटाएंगे तो आप देखेंगे कवरिंग एरिया प्रेजेंट होता है, जो बोन्स होते हैं उस बोन्स का कवरिंग एरिया प्रेजेंट होता है। यानी यहीं पर जो है कवरिंग एरिया भी रहता है, इसको हम लोग कह सकते हैं पेरिओस्टियम होता है, यहां पर प्रेजेंट होता है, पेरिओस्टियम प्रेजेंट होता है। उसके ठीक नीचे यहां पर बोन्स प्रेजेंट होते हैं और इसी बोन्स के आधार पर ही जो हम सेरिब्रम पढ़ेंगे, उस सेरिब्रम में जो डिफरेंट टाइप के लोब पढ़ते हैं वो लोब का नाम उसी बोन्स पर ही रखा गया है। तो ये हमारे बोन्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और उस बोन्स के नीचे यहां पर जो है एक ड्यूरा मैटर स्टार्ट होता है, एक पहली मेम्ब्रेन स्टार्ट होती है जिसे कहते हैं ड्यूरा मैटर। हालांकि जो ड्यूरा मैटर होता है ये सबसे हमारे कह सकते हैं कि सबसे हार्ड जो है रहता है, और यही हमारे जो ये मेम्ब्रेन होता है यही पूरे इस ब्रेन को जो है हेल्प करता है, कवरिंग करने का काम करता है। लेकिन ड्यूरा मैटर के ठीक ऊपर एक और यहां पर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग एपी ड्यूरा मैटर के नाम से जानते हैं। तो ड्यूरा मैटर का जो वहां पर पोर्शन होता है, ऊपरी भाग होता है, उसको एपी ड्यूरा मैटर कहते हैं। और ठीक उसके नीचे ड्यूरा मैटर की फर्स्ट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसको हम लोग फर्स्ट मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। फर्स्ट मेम्ब्रेन ये होता है ड्यूरा मैटर। और ये ड्यूरा मैटर होता है ये काफी जो है हार्ड स्किन होते हैं, यानी हार्ड मेम्ब्रेन होता है, ये काफी हार्ड मेम्ब्रेन यहां पर प्रेजेंट होता है। इसके बाद इसके जो है जो ये पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं अरेक्नॉइड। उसके बाद एक दूसरी मेम्ब्रेन होती है जिससे नाम दिया गया है अरेक्नॉइड, ये सेकेंड मेम्ब्रेन होता है। और इस ड्यूरा मैटर और अरेक्नॉइड के बीच में यहीं पर एक और जो है स्पेस होता है जिसे हम सब ड्यूरल स्पेस के नाम से जानते हैं। ये सब ड्यूरल स्पेस होता है, इस सब ड्यूरल स्पेस में कुछ फ्लूड भरे हुए होते हैं। और उसके बाद ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहां का, इस पोर्शन को इसको पाया मैटर कहते हैं, पाया मैटर कहते हैं। अभी इसकी बात करेंगे, सबसे पतली होती है जो दिखाई नहीं पड़ती है,
सबसे थिन मेम्ब्रेन होती है और ये हमें दिखाई नहीं पड़ती है अगर देखा जाए, इसको हटाया जाए। जब एनाटॉमी करेंगे आप ब्रेन की, जब आप एमबीबीएस कर रहे होंगे, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे होंगे, उस समय आपको एनाटॉमी दिखाया जाएगा, एनाटॉमी कराया जाएगा। सेकेंड ईयर में आपको ये जो ब्रेन है, इस ब्रेन का पूरी एनाटॉमिकल फीचर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो एरेटनॉइड और पायामेटर, इसके बीच में भी एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं सब एरेटनॉइड स्पेस। देखिए जो सब एरेटनॉइड स्पेस होता है, ये सब एरेटनॉइड स्पेस में यहीं पर जो है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसे हम CSF से भी दर्शा सकते हैं। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है जो हमारे सेरिब्रम या स्पाइनल कॉर्ड है उसको वह आघातों से बचाने का काम करता है। इसके बाद बात करते हैं पायामेटर की। जो पायामेटर होता है, इस पायामेटर में देखेंगे तो ये पायामेटर के जो लोअर सरफेस होता है, ये लोअर सरफेस हमारे ब्रेन में जाकर के धंसा हुआ होता है और ये धंस करके जो ब्लड वेसल्स होते हैं उस ब्लड वेसल्स का एक जाल बना लेता है और उस ब्लड वेसल्स को हमारे ब्रेन के अंदर जो है पहुंचाता है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो जब फिल्ट्रेशन होता है और हमारे फिल्टर होकर के जो भी ब्लड है वो हमारे लंग से जब हार्ट में आता है तो हार्ट से वो डिफरेंट जो पार्ट उस पार्ट में बढ़ता है। तो लगभग 15-20% जो ब्लड होता है वो हमारे हार्ट से निकलने में हमारे ब्रेन में जाता है, क्योंकि ब्रेन में भी वहां पर ऑक्सीजन जो है आवश्यक होता है, वहां पर भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो वो जो आता है ब्लड, वो ब्लड एक्चुअल में जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है वो उसी में रिसता रहता है और ऑक्सीजन रिस करके वहां से जो भी उसकी एनर्जी होती है उसको प्रोड्यूस कराती रहती है। ये जो पायामेटर होता है, इस पायामेटर में यहां पर जो धसा हुआ पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं कोरवाइड प्लेक्सस। कोरवाइड प्लेक्सस के नाम से इसको जानते हैं। ये जो कोरवाइड प्लेक्सस होता है, इससे ब्लड वेसल्स के बहुत ज्यादा इसमें घने जाल होते हैं, एक कह सकते हैं कि एक नेटवर्क होता है और इसके थ्रू जो ब्रेन है उस ब्रेन में ब्लड जो है, ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें ये पार्ट की, जो यहाँ पर पूरा आप कवरिंग देख रहे हैं इस पार्ट को, ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं ग्रे मैटर। ये ग्रे मैटर के बारे में हम लोग भी चर्चा करेंगे ब्रेन में जब पढ़ेंगे, अभी तो मैं केवल इसके कर दे रहा हूं ग्रे मैटर। और उसके बाद आता है व्हाइट मैटर। लेकिन आप ये एक चीज और ध्यान देना है, अगर मान लेते हैं आप स्पाइनल कॉर्ड पढ़ रहे होते हैं तो व्हाइट मैटर बाहर रखते, ग्रे मैटर को यहाँ पर बीच में रखते, यानी सेंटर पॉइंट में रखते। लेकिन मैं यहाँ पर चूंकि ब्रेन का मैं हिस्सा दर्शा रहा हूँ, एक ब्रेन का जो है सेक्शन दिखा रहा हूँ, तो उस ब्रेन में ग्रे मैटर ऊपर होता है, कॉर्टिकल रीजन में होता है, जबकि व्हाइट मैटर जो होता है वो उसके सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो ये तो था उसके जो मेनिंजेस है, उस मेनिंजेस में, यानी मेनिंजेस में तीन मेम्ब्रेन है, ये थर्ड मेम्ब्रेन है जो पायामेटर है, थर्ड मेम्ब्रेन। तो इस तरह से आपने देखा कि जो मेनिंजेस होता है वो मेनिंजेस थ्री मेम्ब्रेन से मिलकर के बना होता है। द फर्स्ट इज ड्यूरा मैटर, सेकेंड इज एरेटनॉइड एंड थर्ड स्पाया मैटर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये तो था इसके। अब बात करते हैं टोटल केवल ब्रेन की, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन ये दो मेन पार्ट है हमारे इस क्या नाम है हमारी बॉडी में। और हमारी बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन आती है उस इंफॉर्मेशन को रेगुलेट करने का काम, उस इंफॉर्मेशन को वापस इफेक्टर ऑर्गन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इन सब का डिसाइड जो होता है वो ब्रेन एंड जो सेंट्रल नर्वस क्या स्पाइनल कॉर्ड होता है वो करता है। तो हम लोग अब इस बात करेंगे केवल ब्रेन की, पहले ब्रेन की बात करते हैं, उसी में स्पाइनल कॉर्ड भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रेन की। ब्रेन है क्या? देखिए ब्रेन जो होता है, अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ब्रेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें ये फर्स्ट इसमें होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, और थर्ड होता है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम लोग जो है यहां पर प्रोजेंसीफेलॉन के नाम से जानते हैं, प्रोजेंसीफेलॉन, और मिड ब्रेन को मीजेंसीफेलॉन कहते हैं। इस नाम को आपको याद रखना है कि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। और हाइंड ब्रेन को हम लोग रोडेंसीफेलॉन के नाम से जानते हैं, रोडेंसीफेलॉन। देखिए जो फोर ब्रेन होता है यानी प्रोजेंसीफेलॉन, ये दो पार्ट से बटे होते हैं। एक होता है इसमें दो पार्ट है, इसको हम हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ये आपको क्लियर हो गया। तो
तो जो फोर ब्रेन होता है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेरिब्रम जो मेन पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, अप्रॉक्स लगभग 70-80% जो पार्ट होता है ब्रेन का वो सेरिब्रम ही होता है, जो हमें दिखाई पड़ता है पूरा पार्ट वो सेरिब्रम ही दिखाई पड़ता है। सेरिब्रम को टेलेंसिफेलॉन के भी नाम से जानते हैं, इसे हम टेलेंसिफेलॉन भी कहते हैं, टेलेंसिफेलॉन कहते हैं। और दूसरा होता है डायनसिफेलॉन, डायनसिफेलॉन। इस डायनसिफेलॉन में भी हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें थैलमस, एपिथैलमस, हाइपोथैलमस के बारे में पार्ट है, अब इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे एक एक करके। अभी मैं केवल यहां पर पार्ट की बात कर रहा हूं। मिड ब्रेन में भी दो पार्ट, यहां पर एक होता है सेरिब्रल पिडंकल, सेरिब्रल पिडंकल, और सेकेंड होता है इसमें जो है यहां पर कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये पार्ट है। हाइंड ब्रेन तीन पार्ट से बटा होता है, फर्स्ट सेरिबेलम जिसे मेटेंसिफेलॉन भी कहते हैं, मेटेंसिफेलॉन के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा होता है पॉन्स और तीसरा होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑब्लांगेटा। तो आपको ये क्लियर हो गया कि इसमें तीन पार्ट्स हैं और इस सारे पार्ट्स को हम लोग पढ़ता है। फर्स्ट इज फोर ब्रेन, सेकेंड इज मिड ब्रेन, थर्ड इज हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन यानी फ्रोजन सिफेलॉन, मिजन सिफेलॉन, प्रोवडन सिफेलॉन। फ्रोजन सिफेलॉन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेरिब्रम एंड और टेलेंसिफेलॉन, एंड सेकेंड इज डायनसिफेलॉन। मिजन सिफेलॉन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द फर्स्ट इज क्रूरा सेरिब्रम या क्रूरा एक्वेडियम, क्रूरा सेरिब्रम भी कहते हैं या उसको हम सेरिब्रल पेडंकल कहते हैं, और सेकंड जो होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है। हाइंड ब्रेन जो डिवाइड इनटू थ्री पार्ट, सेरिबेलम इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, सेकंड इज प्रॉन्स एंड थर्ड इज मिडला ऑब्लांगेटा। तो ये पूरा पार्ट होता है। इस पूरे पार्ट को चर्चा चलने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, अगर हमें पूरा समझना है थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से होकर के हम पूरे ब्रेन को यहां पर फोकस कर लेंगे कि हमारा ब्रेन में क्या क्या पार्ट है और वो ब्रेन में पार्ट कहां कहां पर प्रेजेंट है, उसके फंक्शन को हम लोग बाद में डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन अभी यानी इसी वीडियो में बात करेंगे फंक्शन को भी, लेकिन पहले हम इसके पार्ट देखें कहां कहां पर ये प्रेजेंट है। आप सपोज करिए एक मैं ब्रेन बना रहा हूं, यहां पर देखेंगे एक रफली डायग्राम मैं यहां पर बना दे रहा हूं आपके लिए। ये मैं बना रहा हूं जो ये कार्पस कैलोसम, इसके भी फंक्शन की बात करेंगे। कार्पस कैलोसम हो गया, यहीं पर नजदीक में ही होता है यहां पर एक छोटा सा और होता है पार्ट जिसे हम कहते हैं सेरिबेलम, सेरिबेलम पश्चिम मस्तिष्क होता है, ये हो गया, ये निकला स्पाइनल कॉर्ड, ये पॉन्स में बना दिया, पॉन्स है ये, और ये मेडुला, ये स्पाइनल कॉर्ड में जाकर के नीचे चला जाएगा। ये यहां तक क्लियर हुआ आपको? उसके बाद यहीं पर थोड़ा सा हम एक और पोर्शन ले चलेंगे मिड ब्रेन में, वन टू थ्री फोर, फोर लोब में यहां बना रहा हूं, फोर लोब, ये फोर लोब होता है, और इसी फोर लोब के ऊपर हम थोड़ा सा आएंगे यहां पर, इस फोर लोब में जो यहां पर ये घिरा रहता है और ये आकर के एक पिडंकल के रूप में ये, और एक पिडंकल के रूप में यहां से जुड़ा रहता है। समझेंगे इसको? थोड़ा सा मैं रफली बना रहा हूं लेकिन आप इसको समझने का प्रयास करिएगा, मैं भी समझाने का पूरा प्रयास करूंगा इसको कि किस प्रकार से कहां पर कौन सा पार्ट होता है। यही सब पार्ट मिलता है यहीं पर, एक ये पूरा पार्ट होता है, ये थैलमस होता है छोटा सा यहीं पर एपिथैलमस, और यहीं पर जो है जी हो गया हाइपोथैलमस होता है। थोड़ा समझेंगे इसको, प्रयास करेंगे भी, कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा समझ में आ जाए।
और पूरा जो पोर्शन आप देखते हैं, ये पूरा पोर्शन जो बड़ा सा है, ये एक्चुअल में सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम में गायरी प्रेजेंट होता है। गायरी मतलब जहां पर वो जो है, जो इसके कॉर्टेक्स होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहीं कहीं पर देख रहे हैं आप जो है यहाँ पर उभार होता है, इसको हम लोग गायरी के नाम से जानते हैं। मैं इसको लिख दूंगा, ये गायरी, ये पोर्शन हो गया, ये गायरी मैं बना रहा हूं, इसका जो कॉर्टेक्स होता है, ये हो गया, ये आपके बन गए ब्रेन। एक मैं एक नॉर्मली ब्रेन बना रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए, थोड़ा सा समझाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको फिगर समझ में आ जाए। आपका ये स्पाइनल कॉर्ड होगा, मैं थोड़ा सा लोअर पार्ट से चल रहा हूं और आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। ये लोअर पार्ट में यहां पर स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपका क्लियर है, स्पाइनल कॉर्ड है। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको आपको एक इमेजिनेशन के थ्रू आपको दर्शाना चाहूंगा। ये मान लेते हैं ये मेरे पूरा पूरे ब्रेन है, ये इसकी बात मैं कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं। तो ये जो पोर्शन बीच में जा रहा है, ये है यहां पर जो है हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड जो नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरह से सेक्शन को कट कर दे, इसको सेक्शन को ऐसे कट कर देने, यानी हम इस तरफ से अगर घूम जाए थोड़ा सा, अब देखेंगे थोड़ा सा मैं इस तरफ से घूमता हूं, और इसको अगर ऐसे सेक्शन काट दिया जाए तो ये जो आधा पोर्शन होता है ये हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, यानी कि जो दो हेमिस्फीयर होता है वो दोनों हेमिस्फीयर यहाँ पर बढ़ गया। अभी मैं उसकी भी चर्चा करूंगा जब सेरिब्रम पढ़ूंगा। तो ये यहां से दो पोर्शन बढ़ गया है और उसको एकदम बीचों बीच पार से आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये सबसे बीच वाला पार्ट यहाँ पर क्या है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड हमारा यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसके बाद इसके ठीक ऊपर, यानी स्पाइनल कॉर्ड है इसी के ठीक ऊपर, यहां पर आप आएंगे तो आपको यहां पर मिलेगा सबसे पहला मेडुला मिलेगा। ये मेडुला यहां पर पोर्शन है, मेडुला है, मेडुला जिसे आप मेडुला ऑब्लांगेटा लिखे हैं, और उसी के ऊपर आप आएंगे यहां पर थोड़ा सा पोर्शन में आप आएंगे तो यहीं पर आपको पॉन्स भी देखने को मिलेगा। ये पॉन्स है, पॉन्स, और ये जो है यहां पर ये हाइंड ब्रेन यानी सेरिबेलम है, ये सेरिबेलम होता है। तो ये तीन पार्ट जो आपने देखा, और सेरिबेलम कहाँ होता है, सेरिबेलम जैसे ये जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट स्पाइनल कॉर्ड, फिर उसके बाद मेडुला, फिर पॉन्स आ गया। उसके बगल में आप यहां पर जो देखेंगे, इस पोर्शन को आप बहुत ध्यान से देखिए, जहां पर मेरा हाथ है, ये पोर्शन जो होता है ये सेरिबेलम होता है, ये बीच में एकदम यहाँ पर सेरिबेलम होता है। और उसके बाद अंदर की ओर आप आएंगे, थोड़ा सा अंदर की ओर आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिड ब्रेन मिलेगा, अंदर की ओर मिड ब्रेन मिलेगा, उसकी बात करते हैं। तो ये जो मिड ब्रेन है, ये आपका मिड ब्रेन का पहला पार्ट हो गया, ये पार्ट है यहां पर, इसमें ये इसको लोग कहते हैं सेरिब्रल पिडंकल। आप देखें कि डंठल नुमा संरचना भी बना है, इसलिए इसका नाम रखा गया है सेरिब्रल पिडंकल, एक जस्ट लाइक ए पिडंकल, सेरिब्रल पिडंकल होता है। और उसके बाद उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि यहां पर चार फोर लोब्स प्रेजेंट होते, 1, 2, 3 एंड 4, फोर लोब इससे प्रेजेंट होता, और इसको हम लोग कहते हैं यहां पर जो है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। एक्चुअल में जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है, इसको भी पहले थोड़ा सा आप डिस्कस कर लेते हैं। जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है, इसमें टू लोब, यानी दो के लोब, यानी चार लोब होते हैं, जिसमें टू सुपीरियर लोब होते हैं और टू इंफीरियर लोब होते हैं। यानी क्या होते हैं, टू सुपीरियर लोब होते हैं, यानी सुपीरियर लोब। ये जो सुपीरियर लोब होता है, इसको हम लोग कॉलिकुलाई के नाम से जानते हैं, यानी कि ये जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इसको हम लोग कॉलिकुलाई भी कहते हैं। तो एक होता है दो, यानी सुपीरियर कॉलिकुलाई होता है, कॉलिकुलाई इसकी संख्या होती है टू, और एक होता है इंफीरियर कॉलिकुलाई, और इसकी भी संख्या होती है टू। एक्चुअल में जो सुपीरियर कॉलिकुलाई होता है, ये हमारे विजन से संबंधित होता है। जो भी हम चीज देखते हैं, उस देखते हैं विजन, जो हमारे नेत्र है, उस नेत्र का जो यहाँ रेगुलेशन होता है, उस रेगुलेशन का काम करता है सुपीरियर कॉलिकुलाई। और जो इंफीरियर कॉलिकुलाई होता है, ये ऑडिटरी जो होते हैं, जो ऑडिटरी इंफॉर्मेशन होता है, उसको रेगुलेशन का काम करता है इंफीरियर कॉलिकुलाई। तो इसको जो सुपीरियर कॉलिकुलाई और इंफीरियर कॉलिकुलाई, अगर यहां पर दो दो की संख्या, तो हम इसको हम यहां पर उस समय कार्पोरा बाईजेमिना भी कह सकते हैं, उसको हम कार्पोरा बाईजेमिना कह सकते हैं। और चारों इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, यानी इसको हम कह सकते हैं, अगर अलग अलग हम इसको पढ़ें तो उस समय हम इसको कार्पोरा बाईजेमिना कहेंगे, अगर हम इसको अलग अलग पढ़ रहे हैं।
लेकिन अगर हम चारों जो लोब्स है उन फोर लोब्स यानी टू सुपीरियर कोलिकुलाई एंड टू जो है इन्फीरियर कोलिकुलाई, इन दोनों को अगर हम एक साथ देखते हैं तो उसको हम यहाँ पर कार्पोरा क्वाड्रेंजियम कहते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ मिड ब्रेन और मीजन सिफेलान होता है। तो ये यहाँ पर मिड ब्रेन होता है। उसके बाद थोड़ा सा आते हैं अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फोर ब्रेन, यानी कि ये पूरा पार्ट आपका यहाँ से पूरा पार्ट हो गया, ये हाइंड ब्रेन का हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये हाइंड ब्रेन हो गया। उसके ऊपर आप आए तो वहां पर छोटा सा मिड ब्रेन था, बहुत ही छोटा सा मिड ब्रेन होता है, और वो उस मिड ब्रेन में ही वहीं पर फोर लोब्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग कॉर्पोरा क्वाड्रेंजियम कहते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। क्यों वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स? क्योंकि ये हमारे विजुअल और जो ऑडिटरी है उसका रेगुलेशन करने का काम ये करता है। उसके बाद आते हैं थोड़ा सा अब यहां पर पूरा पोर्शन है ये फोर ब्रेन का, और फोर ब्रेन में क्या है, दो पार्ट्स सेरेब्रम एंड डायसेफेलन। तो डायसेफेलन में क्या होता है, ये तीन पार्ट होते हैं। डायसेफेलन में अगर हम बात करें तीन पार्ट्स होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, ये थैलमस होता है, थैलमस पार्ट होता है, और ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट ये रहता है, इसको हम एपिथैलमस कहते हैं। एक्चुअल में ये जो एपिथैलमस होता है, इस एपिथैलमस में यहीं पर पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, यहीं पर पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और आपने पढ़ा होगा पीनियल ग्लैंड जो होता है वो मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। इसके अलावा जो शिशु होते हैं उन शिशुओं में जो सर्केडियन रिदम होता है, उस सर्केडियन रिदम का भी कंट्रोल जो होता है वो पीनियल ग्लैंड के थ्रू होता है। मैं शिशु की बात कर रहा हूं, छोटे बच्चों में। तो ये यहां पर, और एक तीसरा पार्ट होता है यहां पर, ये पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। इट इज द थर्ड पार्ट ऑफ फोर डायसेफेलन। तो ये हाइपोथैलेमस पार्ट यहां पर होता है, हाइपोथैलेमस होता है, और इसी हाइपोथैलेमस द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस जो होता है जिसे हम मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है ना, मास्टर ग्लैंड्स, ये जो आप देख रहे हैं यहां जो इसका सेला टर्सिका भाग होता है, इसी सेला टर्सिका भाग में एक स्पिनोइड बोन से घिरा हुआ, स्पिनोइड बोन से घिरा हुआ सेला टर्सिका भाग में इस हाइपोथैलेमस भाग से जुड़ा हुआ, इस हाइपोथैलेमस भाग से जुड़ा हुआ यहीं पर छोटा सा, बहुत ही छोटा सा ग्लैंड होता है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड को आप लोग पढ़े होंगे कि इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और ये हमारे पूरे जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उस एंडोक्राइन ग्लैंड को ये रेगुलेट करता है। बट इस पिट्यूटरी ग्लैंड पर रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है, इसलिए हम इसको हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहां प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ होता है, और स्पिनोइड बोन से घिरा हुआ सेला टर्सिका भाग होता है, उस सेला टर्सिका भाग में एक मटर के दाने के बराबर सबसे छोटा स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स यहां पर लटका हुआ होता है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, और इट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड्स क्योंकि हमारे अन्य जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको रेगुलेट करता है। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड अगर ह्यूमन में बात करें दो पार्ट होते हैं, एडेनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है। एडेनोहाइपोफाइसिस में कुल सात हार्मोन सीक्रेट होता है, जबकि न्यूरोहाइपोफाइसिस जो इससे जुड़ा होता है हाइपोथैलेमस से, उससे दो हार्मोन का स्राव होता है, वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे जब हम ग्लैंड पढ़ाएंगे। अभी तो मैं फोकस कर रहा हूं अपने इस ब्रेन पर। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहां से आपका स्पाइनल कॉर्ड हुआ, फिर हाइंड ब्रेन हुआ, मिड ब्रेन आपने पढ़ा, अब फोर ब्रेन का एक पार्ट आपने पढ़ लिया कि फोर ब्रेन में डायसेफेलन, डायसेफेलन में तीन पार्ट्स हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड बहुत ही छोटा सा माइनूट सा उसके लेटर पार्ट में एपिथैलेमस। एक्चुअल में जो डायसेफेलन है इसकी जो कैविटी होती है और इसकी जो उत्पत्ति होती है उसको, इसकी जो कैविटी उसको डायनोसील कैविटी कहते हैं। ये डायनोसील, इसकी कैविटी को डायनोसील कैविटी के नाम से भी जानते हैं, इसकी गुहा को डायनोसील कैविटी कहते हैं। और इसको हम लोग जो डायसेफेलन है इसकी जो कैविटी इसको थर्ड वेंट्रिकल के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग थर्ड वेंट्रिकल भी कहते हैं। तो ये थर्ड वेंट्रिकल होता है, और आपको बता दो जो मेडुला वाला पार्ट होता है इसको जो हम लोग फोर्थ वेंट्रिकल भी कहते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं। तो जो थर्ड वेंट्रिकल है यानी कि थर्ड वेंट्रिकल क्या कैविटी, इस थर्ड वेंट्रिकल का जो छत होता है, एक कह सकते हैं कि उसका रूफ होता है, वो एपिथैलेमस होता है, और कैविटी को थैलेमस कहते हैं, और जिसकी फर्श होती है, फर्श जो होती है वो फर्श होता है हाइपोथैलेमस होता है। तो इस तरह से ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं ये पूरा पार्ट डायसेफेलन है, जो कि पार्ट किसका है, ये पार्ट है फोर ब्रेन का। उसके बाद आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है यहां पर आप देख रहे हैं कि ये एक व्हाइट मैटर का बना हुआ होता है, और ये व्हाइट मैटर वाला जो है ये जोड़ रहता है, इसको हम लोग कहते हैं कार्पस कैलोसम। अभी इसकी चर्चा करेंगे थोड़ा सा
कार्पस कैलोसम। उसके बाद आप देख रहे हैं ये पूरा जो पूरा पार्ट है ये सेरिब्रम का भाग होता है जो हमको दिखाई पड़ता है, यही सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। अच्छा, इसमें भी क्या होता है, सेरिब्रम में भी क्या होता है, डिवाइडेशन भी होता है जो लोब होते हैं। सेरिब्रम जो हमारा होता है ये टू हेमिस्फीयर में बटा होता है। अगर हम इसको एकदम डायरेक्ट आप लॉन्गिट्यूडनल पोर्शन इसको काटेंगे तो आपको दो यहां पर, यानी अगर इसको इस तरह से देखें, इस तरह से अलग करके देखें, तो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कि दो दो ब्रेन आकर आपस में जुड़े, यानी टू हेमिस्फीयर जुड़े होते हैं। और वो दोनों हेमिस्फीयर जुड़े होते हैं वो इसी कार्पस कैलोसम जो कि व्हाइट मैटर में प्रेजेंट है। अभी बताएंगे व्हाइट मैटर भी क्या कैसे होता है। तो व्हाइट मैटर में जो प्रेजेंट कार्पस कैलोसम होता है ये इसमें से फाइबर्स निकल करके दोनों हेमिस्फीयर को आपस में इस तरह से जोड़े रहते हैं, और इस तरह से जोड़ करके हेमिस्फीयर को जो है ये दोनों हेमिस्फीयर को बांधे रखने का काम करता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। अब देखिए हेमिस्फीयर की बात करें अभी सेरिब्रम की, तो सेरिब्रम जो होता है हेमिस्फीयर, ये हमारा मान लेते हैं राइट हेमिस्फीयर है। ये राइट हेमिस्फीयर हमारे लेफ्ट आर्गन को कंट्रोल करता है, जबकि लेफ्ट हेमिस्फीयर जो होता है वो हमारे राइट आर्गन को कंट्रोल करता है। आपको इसको याद रखना है, ऐसा नहीं कि राइट राइट को, राइट हेमिस्फीयर जो होता है वो लेफ्ट आर्गन को कंट्रोल करता है, जबकि लेफ्ट हेमिस्फीयर जो होता है वो हमारे राइट आर्गन को कंट्रोल करने का काम करता है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। अब ये पूरा पार्ट है सेरिब्रम है। इस सेरिब्रम में क्या होता है कि तीन गहरी दरारें होती हैं, तीन गहरी दरारें होती हैं, और उन तीन गहरी दरारों के द्वारा ये चार लोब में बटा होता है। सबसे आगे की ओर अगर हम लोग बात करें, सबसे आगे की ओर यहां पर होता है फ्रंटल लोब होता है। सबसे आगे की ओर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर फ्रंटल लोब होता है सबसे आगे। थोड़ा सा उसके ऊपर जाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे लगभग यहां पर टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब होता है, पैराइटल लोब होता है। और इसके अलावा जो नीचे की ओर अगर आप देखेंगे, यहां नीचे की ओर जो यहां पर प्रेजेंट है ये टेम्पोरल लोब होता है, टेम्पोरल लोब होता है। और इसके अलावा सबसे पीछे की ओर अगर आप थोड़ा चले जाएंगे, यहां पर ये पोर्शन जो है मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, ये यहां पर ऑक्सीपिटल लोब होता है, ऑक्सीपिटल लोब होता है। तो इस तरह से यहां पर चार विजिबल लोब होते हैं, बट ऐसा नहीं चार ही होते, एक और होता है जिसे हम लोग इंसुला लोब के नाम से भी जानते हैं, एक चौथा भी होता है इंसुला लोब, ये दिखाई नहीं पड़ता है, ये इंसुला लोब दिखाई नहीं पड़ता, ये अंदर की ओर रहता है, इसलिए यहां पर इसको नॉमिनेशन नहीं किया जा सकता है। तो आपने देखा कि जो हेमिस्फीयर होते हैं, हेमिस्फीयर यानी अर्धगोलार्ध जो है वो फोर विजिबल लोब्स में और एक इनविजिबल लोब्स में दिखाई पड़ रहा है। सबसे आगे फ्रंटल, पैराइटल, नीचे की ओर टेम्पोरल, पीछे की ओर ऑक्सीपिटल लोब यहां पर प्रेजेंट होता है, और एक लोब होता है इंसुला लोब जो दिखाई नहीं पड़ता है। और आप ये जो गहरी गहरी खांच देख रहे हैं, ये खांच जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं गायरी, इसी को कहते हैं गायरी के नाम से इसको जो है जानते हैं। ये आपका यहां पर हो गया पोर्शन। अब मैं बात करता हूं इसमें जो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर कहां पर होता है। एक्चुअल में ये हम इस पोर्शन को हटा देते हैं, अब इसका काम खत्म है। आप तो इसका पूरा नॉमिनेशन देख लें कहां पर कौन सा पार्ट पाया जाता है। अब मैं यहां पर थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूं, इसको कोशिश करता हूं कि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आपको यहां पर बहुत सारी चीजें मैं क्लियर करने वाला हूं। ये जो पार्ट होता है ये होता है ग्रे मैटर, ग्रे मैटर। और ये जो पार्ट होता है अंदर को जहां पर कॉर्पस कैलोसम है ये उसका है व्हाइट मैटर। एक्चुअल में होता क्या है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, मैं इसकी बात करूं। देखिए अगर मैं ब्रेन की बात करूं तो इसमें क्या होता है, अब इसको यहीं पर जो ग्रे मैटर है यहां पर क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उस न्यूरॉन्स के जो साइटॉन होते हैं, न्यूरॉन के साइटॉन इस ग्रे मैटर में अधिक प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से मैं बना रहा हूं। और उसके जो नर्व फाइबर होते हैं वो नीचे की ओर फैले होते हैं, व्हाइट मैटर की ओर फैले होते हैं, इस तरह से आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो, नहीं तो मैं अलग से इसको बनाकर प्रयास करूंगा अभी। ये यहां पर इस चीज, तो इसी चीज को मैं थोड़ा सा अलग बना रहा हूं। मान लीजिए सपोज करिए एक ब्रेन है यहीं पर, फिर से मैं देखिएगा यहां पर एक ब्रेन है। क्यों मैं ब्रेन की बात कर रहा हूं अभी, जहां पर एक जो उसके व्हाइट मैटर है और उसके ग्रे मैटर की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये इसके बीच में व्हाइट मैटर है, मान लिया ये व्हाइट मैटर है। तो यहां पर क्या होता है, बहुत सारे जो है जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके साइटॉन यहां पर प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा यहां पर साइटॉन प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। तो और इसके जो फाइबर्स होते हैं वो सारे फाइबर्स इस व्हाइट मैटर वाले पार्ट्स में आ रहे हैं,
इकट्ठे हो रहे हैं। अब अगर मैं याद करिए आप लोग, मैं जब न्यूरॉन्स पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि ये जो यहां पर एग्जॉन होते हैं, ये एग्जॉन इसको नर्व फाइबर यहां पर है, इस एग्जॉन में यहीं पर माइलिनेटेड शीथ भी प्रेजेंट होता है, माइलिनेटेड शीथ भी इसमें प्रेजेंट होता है। मैंने बताया था एक वैक्सीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, माइलिनेटेड शीथ यहां पर प्रेजेंट होता है, कि जो माइलिन शीथ होता है ये एक वैक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जब हम इसको माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो ये हमको लाइट येलोइश कलर का दिखता है, यानी कि कह सकते हैं कलरलेस दिखाई पड़ता है। इसी माइलिन के कारण ये माइलिनेटेड होता है, माइलिनेटेड। तो इसके कारण क्या होता है कि हमें व्हाइट दिखाई पड़ता है, जबकि जो साइटोन होता है साइटोन में माइलिन शीत नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए हमको वो थोड़ा सा डार्क दिखाई पड़ता है, उसको हम लोग ग्रे मैटर के नाम से जानते हैं। इसी में एक चीज और था, इसी में जो डायनसिफेलॉन है, ये ध्यान रखिएगा, जो डायनसिफेलॉन है इसी डायनसिफेलॉन के पास में, इसी के आसपास, इसी के बीच में यहीं पर कुछ पैचेस पाए जाते हैं, जो व्हाइट मैटर है इसी व्हाइट मैटर में कुछ यहां पर डार्क पैचेस पाई जाती है, यानी जस्ट लाइक अ ग्रे मैटर। तो जो व्हाइट मैटर है डायनसिफेलॉन के ठीक ऊपर जो व्हाइट मैटर है उसमें कुछ डार्क पैचेस प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा डार्क यानी ग्रे कलर का दिखाई देता है, तो ग्रे मैटर बनता है। ये सब डार्क पैचेस होता है, इसको थोड़ा गहरी इधर लिख देते हैं, इससे हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए, कहीं भी इसको दर्शा देते हैं गहरी। तो ये जो हम देखते हैं इसको हम लोग कहते हैं, यहां पर जो डार्क पैचेज होता है इसको कहते हैं लिम्बिक सिस्टम, इससे हम लोग लिम्बिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो इसमें कुछ डार्क पैचेस भी होते हैं जो व्हाइट मैटर प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम लोग जो है इसके ग्रुप को लिम्बिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो आपने ये भी क्लियर हो गया कि व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर क्या होता है। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे तो स्पाइनल कॉर्ड में इसका अपोजिट होता है। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है कि ये जो साइटान होता है वो अंदर की तरफ होता है, सेंट्रल पार्ट की तरफ होता है, और जो एग्जॉन होते हैं वो बाहर की ओर होते हैं, इसीलिए उसमें जो है बाहर की ओर व्हाइट मैटर होता है और अंदर की ओर ग्रे मैटर होता है, अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें। लेकिन अगर हम लोग ब्रेन की बात कर रहे हैं तो ब्रेन वाले पार्ट में जो साइटोन के यानी साइटोन के जो न्यूक्लियाई होते हैं वो यहां पर प्रेजेंट होते हैं, और जो इसमें यानी कि कह सकते हैं कि सेल बॉडी न्यूक्लियाई या साइटोन न्यूक्लियाई इसके ग्रे मैटर प्रेजेंट होते हैं, और जबकि उसके फाइबर्स जो होते हैं वो व्हाइट मैटर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि व्हाइट हमें इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि इस पर माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, इस पर माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है। ये मैंने आपको बताया है जब मैं न्यूरॉन्स पढ़ा रहा था। तो आपको अगर न्यूरॉन्स ये कोई प्रॉब्लम हो रहा है इसमें तो आप न्यूरॉन्स वाले वीडियो को जरूर देखिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, तो वो भी इस चैनल पर वो वीडियो आपको अवेलेबल है। तो ये पूरा पोर्शन था हमारे ब्रेन का, उस ब्रेन के जो पार्ट है उस पार्ट के बारे में आपने देखा, ये पूरा पार्ट था। अब हम लोग बात करेंगे इसके फंक्शन की। इसमें जो भी ब्रेन है आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से, एक बार फिर से मैं इसको थोड़ा सा रिविजन कर दूं कि मेडुला पॉन्स एंड सेरिबेलम ये किसका पार्ट है, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ये इसका पूरा पार्ट, ये स्पाइनल कॉर्ड है, और उसके ऊपर जाएंगे तो आपको चार ये पिडंकल सेरिब्रल पिडंकल मिलेगा, उसमें जो ऊपर की ओर चार जो है यहाँ पर लोब प्रेजेंट हो, इसे हम लोग कॉर्पोरा क्वाड्रिस जाइमिना कहते हैं। उसके ऊपर आप जाएंगे तो डायनसिफेलॉन मिलेगा, जिसमें से एक थैलमस, एपिथैलमस, हाइपोथैलमस होगा। हाइपोथैलमस से पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जबकि एपिथैलमस वाल्व जो है पिनियल ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होता है। और इसके ऊपर हम जाएंगे तो थोड़ा सा एक जो व्हाइट मैटर है उस व्हाइट मैटर में छोटा सा एक डॉट कह सकते हैं कि एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उस डॉट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पर ग्रे मैटर के ऐसे दिखाई पड़ता है, जिसे हम लिम्बिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। उसका एक कार्पस कैलोसम होता है, ये कार्पस कैलोसम हमारे दोनों हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ता है, ये व्हाइट मैटर में प्रेजेंट होता है, दोनों हेमिस्फीयर को कुछ ब्रांचेस के थ्रू जो है फाइबर्स के थ्रू जोड़ता है। और उसके बाद हमारा आ जाता है सेरिब्रम, सेरिब्रम में ये ऊपर की जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स भाग होता है, उस सेरिब्रल कॉर्टेक्स भाग को जो है ग्रे मैटर भरा होता है, और अंदर की ओर व्हाइट मैटर इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये तो था ब्रेन का एक पार्ट। ऐसे सेम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो सेम ही अपोजिट है इसका, आपको याद रखना है स्पाइनल कॉर्ड में क्या है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसमें व्हाइट मैटर जो है पेरिफेरल कॉर्टेक्स फॉर्म में होता है, कॉर्टेक्स रूप में, कॉर्टेक्स भाग में होता है, जबकि सेंटर पार्ट पे ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है। ब्रेन जो होता है, ये ब्रेन हमारे जितनी भी ऐच्छिक क्रिया है, कुछ अनैच्छिक क्रियाएं उन सब का नियंत्रण करता है, नहीं कह सकते बुद्धि का केंद्र होता है सेरिब्रम, हमारी बुद्धि का, सोचने का, तर्क करने का, यानी कि समझने का, बोलने का, सुनने का, यहां तक कि देखने का,
उमटिंग करने का, उमटिंग करने का केंद्र जो है ये मेडुला है। मेडुला जो है ये उमटिंग करने का, उल्टी करने का, छींकने का, खांसने का केंद्र होता है, मेडुला होता है। तो ये जो हमारा ब्रेन होता है ये हमारे समस्त ऐच्छिक या कुछ अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन करता है। जबकि जो स्पाइनल कॉर्ड के हम बात करें, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है सेकंड स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड की बात किया जाए तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है इसमें एकदम अपोजिट डायरेक्शन में ग्रे मैटर व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है। और स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, ये हमारी जो रिफ्लेक्स एक्शन है, प्रतिवर्ती क्रिया जो रिफ्लेक्स एक्शन होती है, उस रिफ्लेक्स आर्क का जो रेगुलेशन है, कोऑर्डिनेशन है, वो इस स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है। यानी जैसे हम चल रहे हैं अचानक ठोकर लग गई तो उस समय रिफ्लेक्स एक्शन होगा और उस रिफ्लेक्स एक्शन का जो रेगुलेशन है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होगा। मान लेते हैं नी जर्क मेथड एक है, अब हम घुटने हैं, घुटने पर हथौड़ी से मारेंगे तो हमारा देखेंगे पैर आगे की ओर खिसकेगा, ये भी यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन है, तो उसका भी कंट्रोल जो स्पाइनल कॉर्ड के पास होता है। तो आपने इस तरह से देखा कि जो यहाँ पर कंट्रोलिंग है मेन कंट्रोल ब्रेन के पास होता है और जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन का है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंडर में रहता है। अब हम लोग बात करेंगे इस ब्रेन के विभिन्न पार्ट्स के, उसके फंक्शन के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसके फंक्शन के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके सेरिब्रम वाले भाग से, यानी फंक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इसके सेरिब्रम वाले भाग के। सेरिब्रम में मैंने बताया था इसमें जो है कुल 4 लोब होते हैं, मेनली 4 लोब होते हैं, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल लोब। तो उन लोब का कार्य क्या है, उन लोब कौन कौन से जो हमारे फंक्शन है उसको कैसे रिलेट करते हैं, उस चीज को यहां पर समझेंगे। सबसे पहले फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब में कुल 4 एरिया होते हैं, एक मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, प्री फ्रंटल एरिया एंड प्रोकास एरिया। बात करते हैं मोटर एरिया की, तो मोटर एरिया जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल मोटर एक्टिविटी, ये मोटर एक्टिविटी के कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होता है। प्री मोटर एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, यानी कि किसी भी जैसे हम कोई भी चीज प्लान बनाते हैं, कोई भी कार्य करने के लिए सूझबूझ करते हैं, तो प्लानिंग जस्ट प्रियर टू मोटर एक्टिविटी, जैसे कि मोटर एक्टिविटी में जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग किसी भी कार्य को करने के लिए जो प्लानिंग करते हैं उस प्लानिंग का जो सेंटर पॉइंट होता है वो फ्रंटल लोब का प्री मोटर एरिया होता है। थर्ड आते हैं प्री फ्रंटल एरिया, प्री फ्रंटल एरिया जो होता है ये सोचने या रीजनिंग तर्क करने या निर्णय लेने या बुद्धि का जो केंद्र होता है वो हमारे फ्रंटल लोब का प्री फ्रंटल एरिया होता है। ब्रोकास एरिया जो होता है जो हमारे एक्सप्रेसिव स्पीच, जिसके थ्रू हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जो बोल रहे हैं इस वाणी का जो केंद्र है एक्सप्रेसिव स्पीच का, यानी कि मोटर स्पीच एरिया जहां से हम बोल रहे हैं और हमारी ध्वनि जा रही है, उसका जो कंट्रोल होता है वो फ्रंटल लोब के ब्रोकास एरिया के थ्रू होता है। ये आपको क्लियर हुआ। फिर आते हैं दूसरा पेराइटल लोब, पेराइटल लोब में जो सोमेटो सेंसरी एरिया होता है, इसमें भी 2 एरिया, एक सोमेटो सेंसरी एरिया है, जस्टेटरी एरिया। तो सोमेटो सेंसरी एरिया जो होता है ये किसी भी जैसे टच करते हैं तो उसके अनुभव को देने का काम करता है, टेम्परेचर होता है या पेन है या प्रेशर है, तो इसको कंट्रोल करने का काम जो होता है वो सोमेटो सेंसरी एरिया करता है। दूसरा होता है जस्टेटरी एरिया, जस्टेटरी एरिया जो होता है जो हमें स्वाद पता चलता है कि ये कोई भोजन है, वो भोजन मीठा है कि तीखा है कि खट्टा है कि कड़वा है, वो जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का जो सेंटर होता है वो इस पैराइटल लोब के जस्टेटरी एरिया में होता है। इसके बाद बात करते हैं टेम्पोरल एरिया में, टेम्पोरल लोब में, टेम्पोरल लोब में भी 4 एरिया बटे, ऑल्फैक्ट्री एरिया, एकॉस्टिक एरिया, वर्निक्स एरिया एंड हिप्पोकैम्पस एरिया। ऑल्फैक्ट्री एरिया जो होता है ये स्मेल, जो हम लोग किसी चीज को सूंघते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ ये सुगंध है, ये दुर्गंध है, ये जो पता चलता है ये एक्चुअल में यहाँ हमारा जो टेम्पोरल लोब है उसमें ऑल्फैक्ट्री एरिया है वो स्मेल का वहां पर सेंटर होता है। और एकॉस्टिक एरिया जो होता है ये हमारी हियरिंग, जो हम लोग सुनते हैं उस हियरिंग का जो जो एरिया होता है, जो सेंटर होता है वो एकॉस्टिक एरिया होता है। और जो वर्किंग्स वर्निक्स एरिया होता है, उस वर्निक्स एरिया जो हम कॉम्प्रिहेंसिव स्पीच या किसी प्रकार का कोई जो कॉम्प्रिहेंसिव स्पीच बोलते हैं,
तो यानी सेंसरी स्पीच एरिया को कह सकते हो, तो सेंसरी स्पीच एरिया जो होता है वार्निक्स एरिया होता है। चौथा जो हिप्पोकैम्पस एरिया होता है, ये हमारी स्मृति का केंद्र होता है, हम कोई भी चीज सोचते हैं स्मृति यानी याद रहता है, हम आज क्या पढ़ाएं कल क्या पढ़ाए होंगे ये मैं बताता हूँ कि हाँ मैंने इसके पहले जो है न्यूरॉन्स पर एक वीडियो बनाया उसमें मैंने माइलिन शीथ पढ़ाया था अभी जस्ट मैंने बोला तो मुझे याद है। तो वो मेमोरी का जो एरिया है यानी सेंटर पॉइंट है वो हिप्पोकैम्पस एरिया होता है। इसके बाद आते हैं चौथा ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब जो हमारे सबसे ब्रेन में सबसे पीछे होता है, ये ऑक्सीपिटल लोब में ये विजुअल एरिया होता है, कि किसी चीज को हम देखते हैं कि देख रहे हैं, हाँ ये चीज है मैं देख रहा हूं, यहां पर एक बोर्ड है मैंने इस पर लिखा है, तो एरिया विजन जो होता है विजुअल एरिया जो होता है वो ऑक्सीपिटल लोब के पास होता है। फिर एक और होता है इसमें पेराइटो टेम्पोरलो ऑक्सीपिएटल एरिया। ये जो पेराइटो टेम्पोरलो ऑक्सीपिटेलो ऑक्सीपिटल ऑक्सीपिएटल एरिया जो होता है, ये जब कोई ऑब्जेक्ट होता है इसे मैं कहता हूं ये चाक है, तो इस चाक का नाम मुझे पता है कि यहां ये चाक है, ये बोर्ड है मुझे पता है ये बोर्ड है, तो ये जो कई ऑब्जेक्ट है उसका जो नामकरण होता है यानी हमें नाम याद रहता है, ये चीज यहां पर इसका जो रिस्पॉन्सिबल होता है ये पेराइटो टेम्पोरलो ऑक्सीपिएटल एरिया कंट्रोल करता है। इसका जब बेसल गैंग्लिया की बात करें तो बेसल गैंग्लिया में एक तो होता है रिले सेंटर ऑफ मोटर एक्टिविटी का रिले सेंटर होता है, एंड सेकंड होता है जो हमारे कॉम्प्लेक्स मूवमेंट होते हैं, जटिल जो भी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट होता है बॉडी में उस कॉम्प्लेक्स मूवमेंट के कंट्रोल करने का जिम्मेदार ये बेसल गैंग्लिया होता है। अब बात करते हैं थैलमस की। थैलमस क्या, अभी मैं बात कर रहा हूं अभी फोर ब्रेन की मैं बात कर रहा हूं। अब फोर ब्रेन में थैलमस, थैलमस क्या करता है, ये रिले सेंटर होता है किसका, सेंसरी एक्टिविटी का। इसको हम लोग पेन गेट के नाम से भी जानते हैं, दर्द यानी पेन गेट के नाम से भी जानते हैं, सेंसरी एक्टिविटी का ये रिले सेंटर होता है। और हाइपोथैलमस क्या होता है, हाइपोथैलमस जो होता है जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलमस करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता हाइपोथैलमस, इसीलिए मैंने इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा था। और जो बड़े हो जाते हैं एडल्ट होते हैं उन एडल्ट में सब जो सर्कैडियन रिदम होता है, सर्कैडियन रिदम एक निश्चित टाइम पर यानी बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको कहते हैं निश्चित टाइम पर जग जाना सो जाना, वो उसका जो कंट्रोल होता है वो भी हाइपोथैलमस करता है। लेकिन अगर बच्चों में बात करें, छोटे छोटे बच्चों में शिशुओं में पीनियल ग्लैंड उसका कंट्रोल करता है, बच्चों में सर्कैडियन रिदम का कंट्रोल पीनियल ग्लैंड के थ्रू होता है। और इसके अलावा ये क्या करता है, जो बायोलॉजिकल नीड्स है हमारा भूख प्यास सेक्स, ये जो होता है बायोलॉजिकल नीड्स है इसका भी रिस्पॉन्सिबल हाइपोथैलमस करता है। तो ये फोर ब्रेन का था। अब बात करते हैं मिड ब्रेन के फंक्शन के बारे में। मिड ब्रेन में देखते हैं, मिड ब्रेन को मेजल सिफेलान के नाम से जानते हैं। ये जो होता है ये ग्रे मैटर का बना हुआ होता है, जो ग्रे मैटर होते हैं उसके बने हुए जो मिड ब्रेन होते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो दो मेन पार्ट्स पाए जाते हैं, एक तो कॉर्पोरा क्वाड्रेंजेमिना एंड दूसरा होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा। और जो हमने बताया था इसके पहले कि कॉर्पोरा क्वाड्रेंजेमिना जो होता है इसमें दो होते, एक सुपीरियर कॉलिकुलाई होता है और एक इंफीरियर कॉलिकुलाई होता है। सुपीरियर कॉलिकुलाई विजुअल रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है और जो इंफीरियर कॉलिकुलाई होता है वो ऑडिटरी सेंस को कंट्रोल करता है, और इन दोनों को कह सकते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रेंजेमिना के द्वारा कंट्रोल होता है। इसके बाद बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। मिड ब्रेन बहुत ज्यादा हमारे उसमें रहते नहीं, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग पावर नहीं इसके पास। हाइंड ब्रेन की बात करें इससे हम लोग रोमेल सिफेरान के नाम से जानते हैं, और इसमें तीन पार्ट मैंने बताया था, पॉन्स मेडुला एंड सेरिबेलम। पॉन्स की बात करें तो इसके पास जो होता है दो सेंटर होते हैं, एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है और दूसरा एपनियोस्टिक सेंटर प्रेजेंट होता है। आपको याद रखना है कि पॉन्स के पास दो महत्वपूर्ण सेंटर होता है, एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है और दूसरा एपनियोस्टिक सेंटर होता है। ये जो न्यूमोटैक्सिक या एपनियोस्टिक सेंटर होता है ये जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं रिस्पिरेशन के समय जो ब्रीदिंग करते हैं उस ब्रीदिंग की गहराई बहुत कम लंबी सांस खींच रहे ऐच्छिक श्वसन कर रहे हैं उस समय जो कंट्रोलिंग होता है पॉन्स के कंट्रोल में होता है। जैसे सुबह उठ करके एक गहरी सांस लेना, तो जो गहरी सांस है उसका जो कंट्रोल होता है वो पॉन्स के अंडर में होता है, और उसके पास दो सेंटर न्यूमोटैक्सिक एंड एपनियोस्टिक सेंटर होता है। दूसरा मेडुला ऑब्लॉन्गेटा की बात करें तो इसमें हम देखेंगे तो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है, रिस्पिरेटरी सेंटर एंड रिफ्लेक्स सेंटर, तीन सेंटर इसके पास है।
कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, कार्डियो मींस होता हार्ट, यानी इसका सबसे पहला जो काम होता है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा का, इसमें कार्डियोवैस्कुलर सेंटर जो होता है इसका पार्ट है, वो क्या करता है, एक तो सबसे पहले जो हार्ट रेट है, जो हमारे हृदय की गतियां है उस हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, और साथ में क्या करता है, जो हार्ट में फोर्स आप कॉन्ट्रेक्शन, जो कॉन्ट्रेक्शन संकुचन होता है तो उसमें जो फोर्स प्रोसेस होती है, बल लगता है, जो कॉन्ट्रेक्शन के कारण वहां पर एक फोर्स उत्पन्न होता है उसको भी कंट्रोल करता है हमारा मेडुला ऑब्लॉन्गेटा का कार्डियोवैस्कुलर सेंटर। इसके अलावा यह जो है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड वैसो डायलेशन में भी हेल्प करता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करना, और वैसो डायलेशन मतलब होता है ब्लड वेसल्स को फैलाना। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, रेगुलेशन होता है उस ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट एंड डायलेट करने का, वो करता है कार्डियोवैस्कुलर सेंटर करता है। दूसरा सेंटर है रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होता है, जो हमारी रेस्पिरेटरी रेट होता है, जो ब्रीदिंग करते हैं उस रेस्पिरेटरी रेट को ये कंट्रोल करता है। मतलब हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो, जब हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो उस समय जो कंट्रोल होता है वो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के रेस्पिरेटरी सेंटर के थ्रू होता है। लेकिन जब हम एबनॉर्मल मतलब जानबूझ के करने लगते हैं, ऐच्छिक श्वसन करते हैं, तब उस समय कंट्रोल पॉन्स के पास में होता है। इसके बाद बात करते हैं रिफ्लेक्स सेंटर की। इसमें एक रिफ्लेक्स सेंटर भी होता है। इसका काम क्या होता है, छींकना, खांसना, उमटिंग कर देना, ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसका जो कंट्रोल होता है वो इसी मेडुला ऑब्लॉन्गेटा का रिफ्लेक्स सेंटर करता है। अभी मैंने जस्ट इसके पहले बोला था जब मैं फिगर समझा रहा था। तीसरा पार्ट है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है, ये तो हमारे जो पोस्चर है, जो हम खड़े सीधे, तो ये पूरा सीधे खड़े हैं, ये कहीं ना कहीं पूरे जो पेशियां, पूरे लेटरल जो साइड है, उस पूरे लेटरल साइड को कंट्रोल करता है हमारा सेरिबेलम। और ये क्या करता है, पोस्चर बैलेंस करता है सबसे पहले, और इक्विलिब्रियम यानी कि हमें जो है कहीं भी चल रहे हैं तो गिर नहीं पड़ रहे हैं, हम पूरी तरह से पोस्चर खड़े हैं, इरेक्ट फॉर्म में, तो उसका जो कंट्रोल होता है वो सेरिबेलम करता है। अब बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड, यहां तक तो ब्रेन की बात होगी, अब बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, ये अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स देता है टुवर्ड स्टिमुलाई। जैसे हम चल रहे हैं, अचानक ठोकर लग गया तो ये अचानक उद्दीपन हमको मिला, तुरंत हमारी बॉडी उसका रिस्पॉन्स करने लगती है, तुरंत मतलब त्वरित गति से वहां पर रिस्पॉन्स की प्रोसेस होती है, उसका कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड के पास होता है। जैसे चल रहे, सपोज करिए एक रोड है, उस रोड को पार कर रहे हैं, अचानक एक बहुत बड़ी गाड़ी बहुत तेजी से हमारी ओर आ रही है, उस समय पूरी की पूरी जो कंट्रोलिंग पावर होती है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंडर में आ जाती है, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। तो वो पूरा सेंटर जो है रिफ्लेक्स एक्शन का वो होता है स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ये क्या करता है, जो रिफ्लेक्स आर्क है उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड होता है जो हमारी रिफ्लेक्स एक्शन वाले मूवमेंट होते उसका जो कंट्रोलिंग पावर है वो स्पाइनल कॉर्ड के है, और बाकी जो हमारे जो गतियां हैं शरीर की जिसमें रिफ्लेक्स का कार्य नहीं हो रहा है, उन सब का जो नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है, वो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होता है। तो इस तरह से ये जो आपने देखा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन आपने यहाँ पर पढ़ा। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।